हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बच्चों में जुखाम होने की समस्या बहुत ही आम होती है। जब नवजात शिशु होते हैं, कुछ कुछ बच्चों को तो होते ही जुखाम हो जाता है। तो बच्चों में सर्दी, खांसी, जुखाम होना बहुत ही आम समस्या है। कुछ बच्चों की इम्यूनिटी पर ये बेस होता है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है तो बच्चे को जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम की समस्या होगी, और अगर बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बच्चे को ये समस्या थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती ही सबको है। जब आपका बच्चा 1 साल से छोटा होता है तो आप देखते बच्चे को साल में 5-5, 6-6 बार सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है, और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो बच्चों में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग तो एक गोली लेंगे और जुखाम की समस्या को तुरंत ठीक कर लेंगे। लेकिन जब आपका बच्चा छोटा होता है तो हर वक्त हर चीज के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। लेकिन जुखाम होने पर आप क्या कर सकते हैं, कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवजात शिशुओं में या फिर छोटे बच्चों में जुखाम होने के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका कारण होता है सर्दी खांसी की समस्या। मौसम के बदलने के साथ ही बच्चे को सर्दी खांसी जुखाम की समस्या हो जाती है, जिससे कि छाती में बलगम जमना, नाक बहना, छींके आना जैसी समस्या बच्चों में बहुत ही आम होती है। दूसरी होती है फ्लू। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर है या फिर फ्लू की समस्या हो गई है तो बच्चे की नाक बहना बहुत ही आम समस्या बन जाती है। बच्चे को बहुत ज्यादा जुखाम और छाती पर बलगम जमना देखा जाता है। एलर्जी के कारण भी कभी कभी बच्चे को जुखाम हो जाता है। अगर बच्चे को धूल मिट्टी या किसी भी चीज से एलर्जी है, या बच्चा छोटा बहुत है, एलर्जी के कारण बच्चे को जुखाम की समस्या बहुत ही कॉमन हो जाती है। अब बात करें कि इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं या फिर इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को जुखाम की समस्या हो गई है तो बच्चा क्या होता है कि जब बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो बच्चा मुंह से सांस लेने लगता है। इससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे का गला सूखने लगता है। ऐसे में बच्चे को बार बार आप दूध पिलाएं। बच्चा अगर मदर फीड पर है तो मदर उसको बार बार फीड कराएं, जिससे कि बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। बच्चे को अगर जुखाम है तो उसके साथ साथ बच्चा किसी और चीज के लिए परेशान ना हो, तो बच्चे को बार बार फीड कराएं। दूसरा है कि अगर बच्चे के सांस लेने की वजह से क्या होता है कि बच्चे की नाक दुखने लगती है, छिल जाती है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, बच्चे की नोज पर आपको पेट्रोलियम जेली अप्लाई करनी है, जिससे कि बच्चे की जो खुश्की हो जाती है नोज में वो ना हो। तीसरी चीज है सक्शन बल्ब, बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी आप इसको ले सकते हैं। इससे बच्चे की जो नाक में बलगम जम जाता है, नाक को साफ करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर आप बच्चे को नोज को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो सक्शन बल्ब को आप यूज कीजिए, आप उससे बच्चे की नोज को क्लीन कीजिए। बच्चे के सर को थोड़ा सा उठाकर रखिए। क्या होता है कि बच्चे के सर के नीचे अगर आप इस तरीके से हैंड लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, तो बच्चे को सांस लेने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो अगर आप बच्चे के सिर को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, अगर बच्चे को लिटा रहे हैं तो कम से कम 15-16 इंच बच्चे के सिर को ऊंचा कर दीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए, इससे बच्चे को परेशानी भी हो सकती है। तो इतना सर को ऊंचा करके बच्चे को थोड़ा सा लिटा दीजिए, इससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि घरेलू उपाय के बारे में, तो बच्चे को अगर जुखाम की समस्या हो गई है तो वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की जुखाम की समस्या तुरंत ही ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज है दोस्तों शहद और अदरक का रस। शहद और अदरक का रस बहती नाक के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चे की जुखाम की समस्या को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा शहद लीजिए और थोड़ा सा लीजिए अदरक का रस, उसको मिलाकर बच्चे को दे दीजिए।
आपके बच्चे की बहती नाक, सर्दी, जुखाम और बलगम की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, गर्म होता है, तो आप बच्चे को सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन या फिर अजवाइन पकाकर उसको गर्दन पर, छाती पर और कमर पर बच्चे की अच्छे से मसाज कीजिए। बच्चे को प्रॉपर कपड़े पहनाइए, उसके बाद बच्चे को सुला दीजिए, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। तीसरी और सबसे फायदेमंद चीज है दोस्तों नारियल का तेल और कपूर। नारियल का तेल में कपूर पकाइए, थोड़ा सा डालिए, इसके बाद उसको गुनगुनाइए, बच्चे की छाती पर, कमर पर, गले पर लगाइए, बच्चे को बहुत ही राहत मिलती है। बच्चा इस चीज से अगर थोड़ा सा ज्यादा परेशान है तो कॉटन लीजिए, उसको बच्चे के बनियान के अंदर लगा दीजिए, इससे बच्चे को गर्माहट बनी रहती है, ये भी आप कर सकते हैं। दूध में जायफल पकाकर आप बच्चे को दीजिए, ये भी बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बच्चे को इससे भी सर्दी जुखाम की जो समस्या है काफी हद तक ठीक हो जाती है, ये भी आप बच्चे को दे सकती हैं। बच्चे को सर्दी का मौसम है तो प्रॉपर कपड़े पहनाकर रखिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि बच्चे को कहीं ठंड तो नहीं लग रही है। बच्चे के हाथ पैर और सिर को हमेशा चेक करते रहिए कि बच्चे के हाथ पैर ज्यादा ठंडे तो नहीं है, बच्चे का सिर ज्यादा ठंडा तो नहीं है, इस चीज को भी आप काफी हद तक चेक करते रहिए, इससे भी आपको काफी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों बच्चे की बहती नाक के लिए अगर आप ये घरेलू उपाय करते हैं, नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, इनको आप फॉलो कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।